ये जो पार्ट है सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आए, तो क्वेश्चन ये ऐसा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। ये वाले अभी जस्ट रिसेंट जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन आया था। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ तो सबसे पहले मुझे क्या आएगा पता, कंपेयरिंग कंपेयरिंग डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर माइनस 32 डो यू बाय डो टी इक्वल टू जीरो विथ, किससे कंपेयर करना, तो डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर माइनस ए डो यू बाय डो टी इक्वल टू जीरो। तो अगर कंपेयर करने के बाद मुझे आंसर बताओ कितना मिलेगा, ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 32। परफेक्ट, ए का वैल्यू 32। वैसे ही अगर मैं के का वैल्यू निकालू विद द हेल्प ऑफ दिस, ये क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर एच देख रखा है, देखो यहाँ पर एच है, करेक्ट। तो अगर एच है तो मुझे बताओ के का फॉर्मूला क्या है, ए एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर ए का बना मिला 32, एच क्या बना 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। अगर आप कैलकुलेशन का कैलकुलेटर में ये सारे वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा के इज इक्वल टू 1। ये तो आप चेक कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, के इज इक्वल टू 1। अगर के इज इक्वल टू 1 मिला, चलो ये बात अच्छी हुई। इसके बाद नेक्स्ट आपको काम करना है यहाँ पर ये जो गिवन है ये वाले कंडीशंस, ये सारे कंडीशंस को इसका ट्रिक बता रहा क्या है। इसको पहले एक एक लाइन में लिखो, वैसे ही सेकंड वाला क्या है, यू एक्स टू जीरो जीरो देन अगेन यू 1 to t इक्वल टू t, ऐसा कुछ है, करेक्ट। तो अभी इसके अंदर हमने क्या करना बताया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके नीचे आपको यहाँ पर आपको एक्स एंड टी ये दिख, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये सारे वैल्यू एक्स के हैं और ये सारे वैल्यू वाई टी के, करेक्ट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट देखो कितना, अगर बाई चांस ये कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में देते नहीं है, अभी आपको लकीली इसके अंदर दे के रखा है तो इसके अच्छा है, तो अगर ये गिवन नहीं होगा तो उस टाइम पे ऐसे ढूंढना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग वैल्यू देखो 0 और एंडिंग वैल्यू देखो 1, मतलब एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, करेक्ट। वैसे ही टी का स्टार्टिंग पॉइंट देखो 0 है पर एंडिंग पॉइंट दिया नहीं है टी का, तो टी इज ग्रेटर देन 0, ये कंफर्म हो गया हम लोग, करेक्ट है। टी का नंबर पता नहीं कहाँ तक है पर टी इज ग्रेटर देन 0, उसका लास्ट वाला वैल्यू हम लोग को दिखना पड़ेगा क्या है, ओके। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको बेंडर स्मिथ के अंदर जो टी का वैल्यू है वो कम से कम इक्वल टू 5 करना पड़ेगा। चलो अभी ये वाला क्लियर हुआ, अभी यहाँ से मुझे आगे क्या करना है, तो यहाँ से आगे मुझे है ना एक चीज करनी है कि मुझे मेरा टेबल एक रेडी करना है। तो यहाँ पर टेबल आपको देख रहा हूँ, टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ओके। तो टेबल ये वाला ऐसे कुछ बनता है, तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट इसमें कि के का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 1 एंड सेम वे एच का वैल्यू हम लोग 0.25 मिला, तो ये सारे वैल्यू हम लोग को लिख के रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट कितना मेरा एक्स का 0 एंड एंडिंग पॉइंट कितना 1 विच इन विच द स्टेप हाइट इज कितना ये 0.25। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग कितना है 0, एंडिंग कितना है 1 और यहाँ पर स्टेप हाइट कितना 0.25, तो 0 0 प्लस 0.25 कितना हुआ 0.25, देन अगेन 0.25 प्लस 0 प्लस 0.25 तो कितना आएगा 0.25, देन अगेन प्लस 0.25 तो कितना आएगा 0.5, देखो यहाँ पर 0.5, देन अगेन 0.5 में 0.25 ऐड करेंगे 0.75, अगेन 0.25 ऐड करेंगे 1 बनेगा। तो ये ऐसे टाइप का पूरा काम चल रहा है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी इसके बाद हम लोग काम है कि ये पूरे टेबल को फॉर्म करना। तो के इज इक्वल टू 1 बन गया, यहाँ पर एक्स एच इक्वल 0.25 बन गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट बन गया, यहाँ पर क्या हुआ स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, मैंने जैसे आपको बताया बराबर। टी का कितना है स्टार्टिंग पॉइंट, देखो 1 है, ये देखो 0 है, करेक्ट।
और जीरो के बाद मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम आपको कहा था यहाँ फाइव तक लेके आना, अगर गिवन नहीं है तो, अगर गिवन हो तो अच्छी बात है कि वहां तक लेके आना, पर अगर गिवन नहीं है तो आपको फाइव तक लेके जाना पड़ेगा। ओके तो अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू को ये कैसे इसने प्लॉट किया। तो ये प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको जो तीन कंडीशन है वो लिख दो, बराबर है, ये जीरो मिला तो मुझे ये पता है कि मेरा जो ये वाला पार्ट है ये मेरा क्या है, एक्स है, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा टी। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाला जीरो है, एक्स वाला जीरो किधर है, ये वाले कॉलम में, तो इसके बारे में बात चल रही है। तो मुझे जब भी मैं अलग अलग टी का वैल्यू डालूंगा इसके अंदर, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट में जीरो डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर जीरो डाल दिया, देन वन डालूंगा, फिर टू डालूंगा, सिमिलरली ये पूरा जो है ना पार्ट, ये एक एक करके वैल्यू डालने के बाद मुझे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर यही सब काम चलेगा कि हम लोग क्या पुट करेंगे। तो मुझे पता चल गया एक बात कि ये वाला एक कॉलम है, इसके अंदर सब वैल्यू डालूंगा, तो मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले एक्स टी के यहाँ पर जीरो डालूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखो जीरो कॉमा जीरो का आंसर कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि ये वाला आंसर जीरो ही है, तो जीरो आ गया। देन अगेन जीरो कॉमा वन कितना आएगा, जीरो, देखो जीरो, सेम वे वन टू सॉरी टू थ्री फोर फाइव सब जगह डाल के देखो तो आंसर जीरो ही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को इक्वेशन में ही जीरो देके रखा है। तो इसलिए ये स्टार्टिंग के सारे देखो जीरो 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 सारे जीरो देखे रखे, समझे। तो ये काम ऐसे ही जीरो ऐसे ही बना हुआ है कि इसने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया और सबसे पहले ये सारी वैल्यू डाल के जीरो कर दिया, डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे सेकेंड इक्वेशन के ऊपर। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग का कुछ ऐसा है, एट u of x कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। अभी x कॉमा जीरो तो हम लोग वापस पता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग इक्वेशन कितना, ये x है और ये t है, तो x के यहाँ पे हम लोग वैरी करना, और t जीरो है, इस बार t जीरो है, t जीरो मतलब यही वाला t का टेबल है, और t जीरो मतलब ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये वाले कॉलम के बारे में बात हो रही है, ये वाले रो के बारे में बात हो रही है, डन। तो ये वाला x जीरो समझो, पहला वैल्यू यहाँ पर ये वाले वैल्यू डालेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाले वैल्यू डालेंगे। तो ये अगर सबसे पहले मैंने जीरो पुट किया x के यहाँ पे तो कितना आया, जीरो, देन अगेन x के यहाँ पे 0.25 पुट किया मैंने तो सेम जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर कितना, जीरो ही आया। तो यहाँ पर आप कितना भी वैल्यू दो, कौन सा भी वैल्यू दो, आंसर जीरो ही आएगा, इसलिए फर्स्ट जीरो सेकेंड जीरो थर्ड जीरो फोर्थ जीरो ये फिफ्थ भी जीरो आया मेरा, समझे, क्लियर हुआ। ये ऐसे हम लोग के ये वाले एलिमेंट्स रेडी हो गए और साथ में ये वाले एलिमेंट्स रेडी हो गए। ओके तो अभी ये दो हम लोग एक रो और एक कॉलम रेडी हो गया, अभी इसके ऊपर आगे हम लोग काम करना। अभी ये जो थर्ड इक्वेशन आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट यू वन कॉमा टी इज इक्वल टू टी, वन कॉमा टी इज इक्वल टी। अभी इसके अंदर काम क्या होगा मुझे पता, इसके अंदर काम ये होगा कि सेम पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, ये किसका कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स है, कॉन्स्टेंट टर्म किसका है, x का, मतलब ये क्या, x का वैल्यू किधर है, 1, x का वैल्यू ये x का रो है, यहाँ पर 1 किधर है, इधर है ये वाले पार्ट में, तो मतलब इसके बारे में बात हो रही है, ओके इसके बारे में बात हो रही है। तो अगर इसके बारे में बात हो रही है तो मुझे एक एक करके वैल्यू डालना पड़ेगा, किसका, t का, ये t यहाँ पर मुझे वैल्यू ये पूछा है इसने, हम लोग को वैल्यू डालने के लिए बोला है इसने, तो अगर मैं t का वैल्यू पुट करूँ तो मुझे मेरा आंसर उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक एक करके वैल्यू सब पुट कर रहा हूँ, तो देखो कैसा है। तो सबसे पहले एट t इज इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं t का वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ तो u का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर t के यहाँ पर जीरो डाल देंगे ना ये वाले पॉइंट पे, बराबर। वैसे t इज इक्वल टू कितना आएगा, वन, तो अगर मैं वन डाल रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, ये वो दोनों जगह पे, अगर मैं ये दोनों जगह पे अगर मैं वन डाल रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, u इज इक्वल टू वन, करेक्ट। सेम वे t इज इक्वल टू टू तो u इज इक्वल टू भी टू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला, ये t है अकेला। वैसे t इज इक्वल टू थ्री, u इज इक्वल टू थ्री, t इज इक्वल टू फोर, u इज इक्वल टू फोर, t इज इक्वल टू फाइव, u इज इक्वल टू फाइव, और t इज इक्वल टू सिक्स भी आएगा ना, नहीं t इज इक्वल टू फाइव लास्ट है देखो, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू फाइव, तो ये जो वैल्यूज मिलेगी ना ये प्रॉपर ये रोज के मिले हम लोग को, जो कि लास्ट कॉलम में आएगा। देखो यहाँ पर पहला जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन उसके बाद फिर फाइव, ये ऐसे काम चल रहा है इसके अंदर, समझे। तो ये वाला हम लोग को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है।
तो ये वाला एक बार रेडी हो गया। चलो ये वाला देखो, यहाँ पर ये लोगों एक इक्वेशन बना, ये वाले वैल्यूज मिले, सेकंड ये वाले वैल्यूज मिले, करेक्ट, वैसे ही सेम ये वाले वैल्यूज मिले, ये तीन हम लोग के वैल्यूज रेडी हो गए, ये तीन वैल्यूज रेडी हो गए। अभी तीनों के ऊपर हम लोग काम चालू करना है, ठीक है। अभी देखो कैसे, ये सबसे मस्त वाला काम है, अभी इसका कुछ काम नहीं करना हम लोग को। देखो अभी हम लोग क्या करना है इसके अंदर, देखो अभी इसके अंदर यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर हमें पूरा काम करना है। तो इसके अंदर काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा वाला काम है, एकदम अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाले काम में पूरा प्रोसेस जो है ना, यहाँ पर हम लोग काम करने वाले, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि इसको अंदर हम लोग करने क्या वाले। अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। ये वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये पूरे प्रोसेस को एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे ये वाले सारे एलिमेंट्स मिले, ये वाले, ठीक है, ये वाले सारे एलिमेंट्स मिले इसके, और ये वाले तीनों एलिमेंट्स मिले, मतलब मेरे ये एक रो और दो कॉलम्स रेडी हो गए। अभी ये इन बिटवीन जो ये वाले नंबर्स है ना, ये निकालने हैं मुझे, ये वाले सारे नंबर्स निकालने। तो ये निकालने का मेथड क्या पता है, ये मेथड है आपको ये वाला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इसका एडिशन करना और डिवाइड बाय 2, मतलब क्या एवरेज निकालना, मतलब समझ लो तो ए, देन यहाँ पर मैं डैश कर दिया, ये बी निकाला मैंने, तो ये दोनों का जो नंबर निकलेगा ना, ये सी निकलेगा, और सी जो आंसर रहेगा वो कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, ये इससे आंसर निकलेगा, समझे। तो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो सेम वे यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, जो कि देगा सी का वैल्यू 0, समझे। सेम वे यहाँ पर भी देखो, ये वाला मैंने यहाँ पर बॉ ये बना के रखा है, तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि यहाँ पर हम लोग किया क्या है। तो ये चीज देखो, ठीक है, ये वाला हम लोग को इधर से मिला, देन ये वाले दो इधर से मिले, ये वाला भी इधर से मिला, उसके नीचे देखो ये इधर से और इधर से आया, ये इधर से और इधर से आया, एवरेज निकल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ओके अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये जो 0 आ रहे थे, अभी ये वाला पार्ट कैसा है देखो, ये वाला पार्ट तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 0 किसका, ये वाला इसका, ये वाले इसका 1, दोनों आ गए, और ये 1 प्लस 0 मतलब कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना, 0.5, तो ये 0.5 डाल दिया, मतलब दोनों के बीच में बराबर। ओके ये वाले दोनों के बीच में बराबर यहाँ पर डाल दिया, देन अगेन ये वाला यहाँ पर ये 0 ये 0 विच विल मेक दिस 0, देन अगेन यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट का 0, ये वाले पार्ट का 0.5, तो यहाँ पर कितना आया, 0 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 2 विच मेक्स 0.25, ये देखो समझे। ओके कुछ भी प्रॉब्लम होगा एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, या फिर कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर दो, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। चलो अभी इसके बाद नेक्स्ट सेम वे यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पर ये वाला आया 1, ठीक है। वैसे ही सेम ये वाला पार्ट देखो 0, अभी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला 0.25 और 3, 0.25 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 0.25 डिवाइड बाय 2, और आंसर आएगा 1.625। ये बेंडर स्मिथ, इसमें ये ऐसे ही काम करता है, और आपको ये बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एक बार ट्राई करके देख लो चाहिए तो, आप ये जो वीडियो है इसका क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट निकाल के खुद से ट्राई करके देखो, और फिर उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपका यहाँ पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, तो बाद में फिर जाके भी आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा, तो इसलिए ये जो है एक बार आप ट्राई करके देखो। ओके देन अगेन आप कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के वो भी एक बार ट्राई करके देखो। आपको लेवल अप करके आना है, लेवल सबसे पहले आप 1 रहेगा, 1 से 2 आना है, 2 से 3 जाना, तो सबसे पहले लेवल 1 का सीख लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप करके लेवल 2 पे जाओ, फिर लेवल अप करके लेवल 3 पे चलो, ऐसे करके हम लोग को फाइनल लेवल तक पहुँचना। ओके टाइम बहुत कम है, पर हम लोग को एटलीस्ट बहुत मैक्सिमम लेवल पर सब कुछ लेके जाना। तो यही सेम टाइप का एक और सब हम लोग करेंगे, सो आई विल वेट ओवर हियर, थैंक यू।
कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी आपको कुछ कमेंट इसके बारे में कुछ सजेशन देना रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।